वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। सीपीसी का हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं राइट, और सेक्शन 26 जो इंस्टीट्यूशन सूट के रिगार्डिंग हम लोग जितने भी ऑर्डर है वो हम लोग सिक्वेंस वाइज करेंगे। ऑलरेडी हमने वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन जो है ऑलरेडी, कई ऑर्डर हमने कर लिए हैं ठीक है जी। अभी हम ऑर्डर सिक्स कर रहे हैं हम लोग। सिक्स मीन्स वो प्लेडिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है वो प्लेडिंग है एंड ड्राफ्टिंग है ठीक है। क्योंकि जब भी आप प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे होते हो, जब रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर रहे होते हो, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या, वो ऑर्डर सिक्स में दिए हुए हैं जो प्लेडिंग को डिफाइन कर रहे हैं। ऑर्डर सेवन है वो प्लेंट को डिफाइन कर रहे हैं। देन वी हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर एट ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि प्लेडिंग है क्या। जनरली हम लोग प्लीड करते हैं प्लीडिंग इंक्लूड्स व्हाट, प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एज वेल एज अ रिटर्न स्टेटमेंट एज पर द ऑर्डर सिक्स इज कंसर्न। जो रूल हमारा वन है ऑर्डर सिक्स का, वो डील कर रहा है कि जो प्लीडिंग है इट मीन्स प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेडिंग दोनों को इंक्लूड करके चल रहा है, वो प्लेंट भी है वो रिटर्न स्टेटमेंट भी। जब हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग प्लेंट को भी ड्राफ्ट करेंगे और रिटर्न स्टेटमेंट को भी ड्राफ्ट करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करने के अकॉर्डिंग भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्लेंट को जब ड्राफ्ट करेंगे तो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये दोनों जो है बेसिकली हम उनको मिक्स कर रहे हैं कि वो दोनों प्लेडिंग है। तो प्लेडिंग इंक्लूड्स व्हाट, प्लेडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एज वेल एज अ रिटर्न स्टेटमेंट। ये हमारा रूल वन है। रूल टू क्या कह रहा है कि जब हम प्लेन ड्राफ्ट करेंगे ये हमारे सेकंड जो रूल है हमारा, जो रूल टू है हमारा ऑर्डर सिक्स का, वो हम लोग जो प्लेन ड्राफ्ट कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग द प्लेन क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेन ड्राफ्ट करते हुए आप सिर्फ फैक्ट के बारे में लिखोगे, सिर्फ फैक्ट के बारे में। आप एविडेंस के रिगार्डिंग आप बात नहीं करोगे कि मेरे पास ये एविडेंस है, आप लॉ के रिगार्डिंग बात नहीं करोगे, आप सिर्फ फैक्ट के रिगार्डिंग बात करोगे। देन आप ये भी बात करोगे मेरा लीगल राइट है जो वायलेट किया है डिफेंडेंट ने, तो यू हैव टू मेंशन द लीगल राइट। आपका लीगल राइट क्या था जो वायलेट हुआ है। देन अबाउट द वायलेशन कि डिफेंडेंट ने वायलेट किया है उसके रिगार्डिंग। देन मैटर इन इशू, द डिस्प्यूट एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या, जो कॉज ऑफ एक्शन है क्या आपने, वो सीक्वेंस वाइज लिखोगे। तो जितने भी आपके कॉज ऑफ एक्शन हैं वो सीरियल वाइज होंगे और हर सीरियल में एक कॉज ऑफ एक्शन होगा ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन जो रूल थर्ड है हमारा, सबरूल टू, जो रूल टू है उसका सबरूल टू क्या कह रहा है कि जो पैरा जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं जब हम लोग ड्राफ्ट कर रहे होते हैं प्लेन वगैरह, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरी प्लेनिंग शैल बी नेसेसरी टू बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। हम लोग लेटर नहीं लिख रहे यहां पे, हम लोग यहां पे प्लेन ड्राफ्ट कर रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं। हम लोग प्लेन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हमेशा जो आपके जितने भी जो होंगे आपका जो प्लेन में जो होगा सिस्टम वो पैराग्राफ में होगा, पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू, पैराग्राफ थ्री, पैराग्राफ फोर ठीक है। और उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आप ड्राफ्ट करोगे। पैरा नंबर का एक का जवाब आप रिटर्न स्टेटमेंट के पैरा नंबर एक में दोगे, पैरा नंबर दो जो क्लाइंट में है वो उसका रिप्लाई रिटर्न स्टेटमेंट पैरा नंबर टू में होगा। तो मीन सिक्वेंस वाइज आपको सेम लिखेंगे। तो जो भी हो आप क्लाइंट तैयार कर रहे होते हो तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप पैराग्राफ में लिखते हो, पैराग्राफ नंबर वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, सो एंड सो ठीक है जी। जो सब रूल थ्री है, रूल टू का सब रूल थ्री, वो कह रहा है कि जब भी आप प्लेन लिख रहे होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप उसमें डेट जरूर लिखो, डेट ठीक है जी। सम्स एंड द नंबर शैल बी एक्सप्रेस्ड इन प्लेडिंग्स इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड्स। अगर आपने कहीं ना कहीं प्लेन में लिखा हुआ कि हाँ भी इस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो डेट मेंशन करोगे, द डेट कब वो आपने कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में हुआ था।
तो अगर इनके साथ अगर कोई मनी की प्रॉब्लम है तो कितनी मनी एक्सचेंज हुई है इन वर्ड्स एंड फिगर्स दोनों में लिखोगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये सब रूल थ्री है हमारा रूल्स टू का कि डेट ठीक है जी, सम्स एंड नंबर्स जो है शैल बी एक्सप्रेस फॉर्म, वो एक्सप्रेस फॉर्म में आपको लिखने पड़ेंगे। देन जो उसके बाद हमारा जो फर्दर हमारा रूल थ्री है, ये तो रूल टू था हमारा, रूल थ्री क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ पे एक दिया हुआ है अपेंडिक्स ए परफॉर्मा दिया हुआ है, प्लेन के परफॉर्म दिए हुए हैं हमारे किस फॉर्मेट में प्लेन तैयार होगी, ठीक है जी, आप उसी फॉर्मेट में जो है प्लेन वो है प्लेनिंग वो है आप तैयार करोगे। तो जो रूल नंबर थ्री है वो कह रहा है द फॉर्म इन अपेंडिक्स ए व्हेन एप्लीकेबल, तो आप उसी पे अप्लाई करोगे। अगर वो फॉर्म नंबर जो अपेंडिक्स ए वो अप्लाई नहीं हो रहा तो ये नहीं है कि हम अपनी अकॉर्डिंग प्लेन तैयार कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग प्लेनिंग तैयार कर लेंगे, आप उसी फॉर्मेट में ही लिखोगे तो सेम कैरेक्टर में होगी, ठीक है जी, एज नीड एज बी यूज फॉर ऑल द प्लेन्स। लॉ कह रहा है कि जब भी आप प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो तो हमारे परफॉर्म में दिए हुए हैं अपेंडिक्स ए में, आप अपेंडिक्स ए जहां पर अपेंडिक्स ए अप्लाई हो रहा है तो उसको अप्लाई करो, इनकेस वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा तो आप सेम कैरेक्टर में ही आप अपनी प्लेनिंग ड्राफ्ट करोगे, ये नहीं कि आप अपना फॉर्मेट आप खुद बना लोगे, सेम करेक्टर में ही आप अपनी प्लेनिंग जो है वो ड्राफ्ट करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा जो बेसिकली जो रूल फोर है हमारा, लॉ कहता है कि जहां पे भी आपको कोई चीज डिफाइन करने की जरूरत है वहां पे आप जरूर डिफाइन करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी चीज को समझाने के लिए अगर पर्टिकुलर्स देने की जरूरत है तो यू हैव टू मेंशन ऑल द पर्टिकुलर्स। तो ये फोर जो हमारा रूल है सब रूल सॉरी ऑर्डर सिक्स का रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर से इतनी सी बात करेंगे इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलायंस ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, कफ एमएम की बात कर रहा हूं मैं, कफ एमएम ठीक है जी, मैं प्लीडिंग की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे कफ एमएम कॉशन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, अगर पार्टी जो है सपोज पेनल्टी प्लीड कर रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पर्टिकुलर्स की मेंशन बात कर रहा हूं, लॉ क्या कह रहा है कि पेनल्टी के अगेंस्ट अगर कोई अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है तो वो वॉइडेबल नेचर का होगा, ठीक है जी, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर कर सकता है तो उसके रिगार्डिंग वो सूट फाइल करेगा, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा पर्टिकुलर्स के रिगार्डिंग कि मेरे अगेंस्ट जो है अंडर इन्फ्लुएंस कॉशन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक हुआ है, तो वो पर्टिकुलर्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ये हमारा क्लॉज जो है हमारा रूल नंबर फोर है। तो फोर सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ जब विलफुल डिफॉल्ट है किसी पार्टी का अंडर इन्फ्लुएंस है एंड ऑल अदर केसेस इन व्हिच पर्टिकुलर्स में बी नेसेसरी बियॉन्ड एज एन एग्जांपलिफाइड इन द फॉर्म अफोरसेड पर्टिकुलर शैल बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग। लॉ कहता है कि बेसिकली कोर्ट को कैसे पता चलेगा, हाउ द कोर्ट केम टू नो कि आपके साथ अंडर इन्फ्लुएंस हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, लॉ कहता है कि ये तो फैक्ट आपको पता है, सिर्फ आपको पता है, पार्टीज को पता है सिर्फ, तो ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फोर हमारा बेसिकली रूल है, जो हमारा रूल नंबर फोर वो कह रहा है जब जो पर्टिकुलर्स होते हैं रिगार्डिंग द मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंट मिस्टेक का हो गया या अदरवाइज कोई विलफुल कंडक्ट हुआ है या विलफुल डिफॉल्ट हुआ किसी पार्टी का, तो वो पर्टिकुलर सिर्फ आपको पता है, यू हैव टू मेंशन दोस पर्टिकुलर्स इन द प्लीडिंग, तो वो आपको प्लीडिंग में मेंशन करने पड़ेंगे। देन सिक्स कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये दोनों के पास जो है राइट है कि अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट का कोई डिफेंस लेना चाहता है तो वो ले सकता है कंडीशन प्रेसिडेंट। नाउ व्हाट इज कंडीशन प्रेसिडेंट, लाइक कॉन्ट्रैक्ट में जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर कंडीशन प्रेसिडेंट्स होती हैं, लाइक सपोज
ए ने बी के साथ कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, व्हाट कि जो बी का हॉर्स है वो उसने परचेज करना है। ए वांट टू परचेज द हॉर्स ऑफ बी जो काफी रेसेस में पार्टिसिपेट कर चुका है और वो उस रेसेस को जीत ही चुका है, तो काफी उसकी डिमांड है उसके हॉर्स की। तो ए वांट टू परचेज दैट हॉर्स, बी ने कंडीशन रख दी, अगर आप देखना चाहते हो यू आर विलिंग टू परचेज माय हॉर्स देन द कंडीशन प्रेसिडेंट इज दैट यू हैव टू डिपॉजिट 25% अमाउंट बिफोर सेइंग द हॉर्स। हॉर्स को देखने से पहले 25% आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे मेरे अकाउंट में, अगर नहीं आपको पसंद आया तो मैं वापस कर दूंगा, इनकेस पसंद आया तो वो एज ए मेरी एडवांस मनी होगी और उसके 10 दिन बाद आपको सारी पेमेंट लेके आनी पड़ेगी जो 75% है। तो उसे कंडीशन प्रेसिडेंट रख दी, तो दिस इज द कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर कोई पार्टी कंडीशन प्रेसिडेंट को लेकर, लाइक सपोज ए ने बी के हॉर्स को देखा, एग्री हो गए दोनों, ठीक है, एंड वी वॉन्ट टू सेल की हर चीज बेचा, लेकिन यहां पे ए ने कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं की, उसने 25% डिपॉजिट नहीं कराया, और जब डिपॉजिट नहीं कराया तो डेफिनेटली ए कैसे क्लेम कर सकता है वो घोड़ा जो वो हॉर्स है वो मेरा है, क्योंकि बी ने मुझे सेल कर दिया है तो मैं उसको तो बाद में भी दे दूंगा पेमेंट। सो ऐसा नहीं है, कंडीशन एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो सिक्स रूल है हमारा, कंडीशन प्रेसिडेंट प्लेंटिव एज वेल एज डिफेंडेंट दोनों के पास राइट है कि वो कंडीशन प्रेसिडेंट ले सकते हैं, ठीक है जी। फर्दर एक एग्जांपल और देता हूं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए कहता है कि मैं अपने सन का जो मैरिज है वो बी की डॉटर से करवा दूंगा। बी एग्री होगा, ठीक है, आई एम अ रिच पर्सन, आप भी अच्छे खासे हो तो मैं अपनी डॉटर की मैरिज आपके बेटे को बेटे से करवाने के लिए रेडी हूं, लेकिन लेकिन यहां पे कंडीशन है कि आपके बेटे को आईएएस का पेपर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये कहता कोई कौन सी बड़ी बात है, अब आईएएस को तो माहौल समझ लिया कि आराम से कर लेंगे। अब प्रॉब्लम है कि अगर ये आईएएस का पेपर क्लियर नहीं कर पाता तो क्या ये इन्फोर्स करवा सकते हैं एग्रीमेंट को, इंप्लीमेंट करवा सकते हैं कि नहीं जी बी ने तो ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का। क्यों ब्रीच कर दिया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कंडीशन प्रेसिडेंट है कि जब एस एस जो है वो उसका सन है ए का, जब वो आईएएस का पेपर क्लियर करेगा तभी मैरिज होगी पॉसिबल। तो ये मैरिज के मैरिज से पहले कंडीशन प्रेसिडेंट है, तो लॉ कहता है कि जितनी भी कंडीशन प्रेसिडेंट है यू हैव टू मेंशन, क्योंकि ये दोनों पार्टी के पास डिफेंस है, प्लेंटी के पास भी डिफेंस होता है तो डिफेंडर के पास भी डिफेंस होता है, तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट जो आपको दोनों पार्टी ले सकती है। और जब भी आपको कंडीशन प्रेसिडेंट देनी पड़ेगी देन स्पेसिफिकली यू हैव टू मेंशन इन द प्लेडिंग, आपको प्लेड और रिटन स्टेटमेंट मेंशन करनी पड़ेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन Now, जो रूल हमारा 7 है ऑर्डर 6 का, डिपार्चर, ये काफी टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस प्लेंटिफ ने जो अपनी प्लेंट में जिक्र किया है और डिफेंडेंट ने जो रिटन स्टेटमेंट जिक्र किया है उससे बाहर वो जा ही नहीं सकते कोई, ठीक है। जो प्लेंटिफ ने प्लेंट में मेंशन कर दिया तो उसके बाहर वो कोई और नया ग्राउंड नहीं ले सकते अपनी आराम से। मतलब जब सपोज ए ने जो है वो प्लेंट जो है वो कोर्ट को दे दी, रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने दे दी, ट्रायल स्टार्ट हो गया, और जब ए की जो थी, जब उसकी विटनेस थी, जब उसकी एविडेंस थी, जब ए कोर्ट में आया एविडेंस देने के लिए, तो उसने एविडेंस देते समय कुछ ऐसे तथ्य ऐसे फैक्ट मेंशन किए जो प्लेंट में थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे वहां पे, मेंशन ही नहीं थे वहां पे, ऐसे फैक्ट ऐसे नए और कई चीजें ले उन्होंने मेंशन कर दिया अपनी एविडेंस में जो वहां पे प्लेंट में उसने मेंशन ही नहीं की थी। तो इट्स वेरी सिंपल, जो डिफेंस काउंसिल होगा वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको प्लेंट दिखाएगा और एक क्वेश्चन पुट करेगा कि आपने ये जो अभी बताया कोर्ट को क्या आपने ये प्लेंट में मेंशन किया है,
एंड ही सेड कि नो मैंने नहीं किया, तो आप वो सिर्फ वहीं पे लिख दोगे द फैक्ट्स आर बियॉन्ड द प्लेन, मीन्स वो डिपार्चर कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप प्लेंट तैयार कर रहे होते हो, जब आप रिटन स्टेटमेंट तैयार कर रहे होते हो, आपको वो सारे तथ्य वो सारे फैक्ट्स मेंशन करने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे आप वो सूट जीत सकते हो। अगर कोई चीज रह गई तो लॉ कहता है कि आप परमिशन ले लो कोर्ट से, आप अमेंड कर लो प्लेंट, प्लेंट को अमेंड कर लो, रिटन स्टेटमेंट को अमेंड कर लो, लेकिन बिना अमेंडमेंट के आप अपनी प्लेंट से बाहर जाके कोई ऐसे तथ्य के बारे में नहीं बता सकते जो आपने प्लेंट में मेंशन ही नहीं किया। ठीक है जी, द ओनली थिंग इज कि आप एप्लीकेशन मूव कर दो रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, एंड विदाउट दिस प्रोसीजर आप जो प्लेंट में दिए गए पॉइंट्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, उससे बाहर जाके आप अपनी नई स्टोरी नहीं क्रिएट कर सकते। दिस इज द डिपार्चर। तो सेवंथ रूल क्या कह रहा है, नो प्लीडिंग शैल बाय वे ऑफ द अमेंडमेंट, द ओनली थिंग इज द अमेंडमेंट, आप सिर्फ अमेंडमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगा कि प्लेंट में कोई गलती रह गई है या कोई टेक्निकलिटी रह गई जिससे मैं हार जाऊंगा केस, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन मूव कर दो कोर्ट में कि सर मुझे तो अमेंडमेंट के लिए परमिशन चाहिए, मुझे अमेंडमेंट करनी है क्योंकि कई फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रह गई हैं, तो मुझे अमेंडमेंट करने की परमिशन दी जाए। लॉ कोर्ट आपको अमेंड करने की परमिशन दे देगा, आप उसके बाद अमेंड कर लो, लेकिन बिना अमेंडमेंट किए हुए आप उससे डिपार्चर नहीं कर सकते। तो दिस इज रूल सेवन। सो नो प्लेडिंग शैल रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और कंटेन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्लेडिंग। लॉ कहता है आप नए ग्राउंड नहीं लेके आ सकते क्लेम के रिगार्डिंग, आप क्लेम मांग रहे हो कोर्ट में, ठीक है सिविल केस में आप क्लेम मांग रहे हो डिफेंस से, कितना क्लेम मुझे चाहिए, आपने जो फैक्ट मेंशन किए हैं और अब नया फैक्ट लेके आ रहे हो आप विटनेस में, अपनी गवाही में जब आप एविडेंस देने आए हो, तो लॉ कहता है कि बेसिकली डिफेंस काउंसिल को तो अच्छी बात है ना, जब आप डिपार्चर कर रहे हो तो डिफेंस काउंसिल के लिए तो बेटर है, उसका तो केस स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने, वो तो सिंपल कह रहेगा कि आप जो अभी फैक्ट लेके आ रहे हो वो टोटली इनकंसिस्टेंट विद योर प्लेंट है, वो प्लेंट में मेंशन नहीं किया, बात खत्म, उसको तो क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है उस पॉइंट पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ एट्थ रूल, डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम है कि लॉ कहता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेंशन कर रहे हो तो वो भी स्पेसिफिकली आप मेंशन करने का कि इस दिन को, इस पर्टिकुलर डे को यहां पे हमारे और मेरे बीच में और ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर कोई पार्टी डिनाइल कर रही है कि ना जी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं हमारे बीच, कहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूं, तो वो स्पेसिफिकली डिनाई करेगा। रीजन क्या है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, द थिंग इज व्हाट कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है हमारा, एक्सप्रेस भी होता है, रिटन में भी होता है। जब आपने इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एंड देयर इज नो विटनेस, तो पार्टी के लिए इट्स वेरी इजी कि वो डिनाई कर दे कॉन्ट्रैक्ट को। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नोबडी वाज देयर, ठीक है उसके आसपास कोई नहीं था, ए और बी दोनों थे। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने आपकी कार परचेज करनी है, बी सेड की ओके आप मुझे 5 लाख दे दो, 10 लाख जो 5 लाख दे दो, 10 हजार अभी अभी एडवांस राइट नाउ मुझे एडवांस दो, और परसों आके अपनी पेमेंट जो है 4,90,000 रुपया मुझे देके इस कार को ले जाओ। उसने 10 हजार दे दिया और जब कार लेने गया पेमेंट दूसरी करने के लिए कोशिश की 4,90,000, तो उसने मना कर दिया, वो कहता मैं तो दूंगा नहीं। एंड देन ए फाइल अ सूट अगेंस्ट बी कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वजह से मुझे कंपनसेशन मुझे चाहिए 5 लाख, जहां स्पेसिफिकली उसको कहो कि हाँ भी कार मुझे सेल करे, एंड बी सेड कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है, तो वो डिनाई कर देगा। तो डिनाई अगर आपने डिनाई करा तो स्पेसिफिकली आप मेंशन करो। तो दिस इज रूल 8, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अलेज्ड इन एनी प्लेडिंग, अ बेयर डिनाइल ऑफ द सेम बाय द अपोजिट पार्टी शैल बी इंटरप्रेटेड ओनली एज अ डिनाइल इन द फैक्ट ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने सिर्फ एक मेंशन कर दिया कि आई डिनाइड द फैक्ट्स, आई डिनाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द पर्सन प्लेंटिफ, तो दैट इज सफिशिएंट। लॉ कहता है आपने कॉन्ट्रैक्ट को ही डिनाई कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे एक्सप्रेसली। देन वी हैव
रूल 9 इफेक्टिव डॉक्यूमेंट टू बी सेटल्ड. अगर आपका सूट डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है, पूरा डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है, लाइक ए और बी ने मैरिज करवाई, मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक तो होगा हमारे गुरुद्वारे में जो होता है लाइक जहां पे सेरेमनीज हुई है मंदिर में हुआ है वो आपको सर्टिफिकेट देंगे यहां पे पूरी सेरेमनीज हुई है, एक वो सर्टिफिकेट होगा, एक रजिस्ट्रार के पास सर्टिफिकेट होता है जब मैरिज रजिस्टर कराते हो तो वो सर्टिफिकेट. डॉक्यूमेंट क्या है, और डॉक्यूमेंट क्या है, जो आपकी स्नैप्स है, पिक्चर्स है, राइट, वो डॉक्यूमेंट है. तो लॉ कहता है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो जिसका इफेक्ट केस पे हो रहा है तो यू हैव टू मेंशन ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स एज एनेक्सचर 1, 2, 3, 4, 5. जब भी आप प्लेन तैयार कर रहे होते हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ए और बी दोनों में, मेरे और बी के बीच में मैरिज सॉलमनाइज हुई थी ऑन सच एंड सच डेट, कहां पे, एट द गुरुद्वारा सो एंड सो, और गुरुद्वारा साहिब में जो हमारे पार्टी थे गुरुद्वारा के उन्होंने हमें मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया था गुरुद्वारे का जो एनेक्सर ए है. उसके बाद जो हमारी पिक्चर्स हैं वो भी जो है वो पिक्चर्स जो मैंने 10 पिक्चर्स जो मैंने अटैच कर रखी है इस प्लेट के साथ वो एनेक्सर बी है 0.12 to 0.10 मीन 10 स्नैप्स है हमारी. आफ्टर डैट हमारे इशू हुआ, एक बच्चा हुआ, बच्चे का जो जन्म सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर सी है. लेटर ऑन हमने बाहर जाना था तो हमने मैरिज जो रजिस्टर करवा दी, जो मैरिज रजिस्टर सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर डी है. तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको एनेक्सर लगाने पड़ेंगे क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आप केस को फाइट कर रहे हो, ठीक है जी. तो यू हैव टू मेंशन, ये था हमारा 9. वेयर द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स आर मटीरियल, यहां पे कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने मटीरियल है, लॉग दे जहां पे कंटेंट के डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट है वो इतने मटीरियल है, इट शैल बी सफिशियंट बाय एनी प्लीडिंग इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट देयर ऑफ एज ब्रीफली एज पॉसिबल. आपको उसका इफेक्ट बताना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा. लाइक सपोज ए और बी ने कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑल ओके कॉन्टैक्ट था, देन बी ने मेल सेंड कर दी कि आई एम अनेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ए को. ए के तक ठीक है, अगर आप नहीं परफॉर्म करना चाहते तो हार्डली मैटर. ए ने कह दिया यस इट्स ऑल ओके कोई बात नहीं. अब बी ने उसके बाद 1 month के बाद ए पे सूट फाइल कर दिया कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया. तो ए कहता है कमाल है, आपने मुझे मेल सेंड की कि आप परफॉर्म नहीं करना चाहते तो मैंने छोड़ दिया. स्टार्टिंग कहां से हुई, आपसे हुई है, ब्रीच कहां से हुई है, आपसे, और आप ही मुझे सूट फाइल कर रहे हो. तो ये मेल आपको ऐसे एनेक्शन ए लिखनी पड़ेगी रिटर्न स्टेटमेंट में, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, केस पेंडिंग का पूरा खराब हो रहा है. तो वो डॉक्यूमेंट का इफेक्ट जो पड़ रहा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है जी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव अ मैलिक एंड द नॉलेज रूल 9 रूल 10 सॉरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पता है कि जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो दूसरी पार्टी को पता थे, उसकी नॉलेज में थे, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है जी. लाइक सपोज मैं इसी एग्जांपल की बात करूं जो मैंने पहले थी, लाइक ए ने बी के साथ कॉन्टैक्ट किया, लेटर ऑन जो बी था उसने रिफ्यूज कर दिया परफॉर्म करने के लिए, और उसने 10 दिन बाद उसने मेल सेंड कर दिया क्योंकि आई एम अनेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मैं नहीं परफॉर्म कर सकता क्योंकि कुछ कारण है. लेकिन ए ने कुछ नहीं किया, ये कहता ठीक ऑल ओके कोई बात नहीं, मैं किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा कोई बात नहीं. उसने मेल का जवाब दे दिया. अब वहां पे मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब बात खत्म हो गई, जब उसने दोबारा फिर सूट फाइल कर दिया बी ने ए पे, तो डेफिनेटली उसको नॉलेज थी ना कि मैंने ए जो मैंने ऑलरेडी मेल सेंड की हुई है, लेकिन वो नॉलेज ने कंसील कर लिया वो फैक्ट कोर्ट से. तो अब जो डिफेंडेंट है वो मेंशन करेगा कि ए को नॉलेज थी, ठीक है, डिफेंडेंट मेंशन करेगा इसको नॉलेज थी, इसने सेंड किया था कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको पता था कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, इट इज मी जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उसकी वजह से इनस्पाइट ऑफ दैट नॉलेज वो सूट फाइल कर रहा है. तो अगर वो किसी पार्टी के पास पर्टिकुलर नॉलेज है मैलिक है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा.
बैड इंटेंशन है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये हमारा रूल 10 है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रूल 10 ये अगर है वेयर एवर इट इज मटीरियल टू अलेज मैलिक फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नॉलेज और अदर कंडीशन इन द माइंड ऑफ एनी पर्सन, क्योंकि आप किसी के माइंड को पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आपको पता है उस पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग, उसके नॉलेज के रिगार्डिंग, उसकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी, मैलिक था, तो इट शैल बी सफिशिएंट टू अलेज द सेम एज ए फैक्ट विदाउट सेटिंग आउट द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द सेम इज टू बी इन्फर्ड। लॉ कहते हैं कि आप मेंशन कर दो आपको कहां से पता लगा, वो इन्फर्ड कहां से हुई वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट मेंशन कि दिस फैक्ट हैज ऑलरेडी बीन इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन, वो ऑलरेडी उसके दिमाग में वो नॉलेज थी, तो वो सिर्फ आपको मेंशन करना है। तो ये हमारा जो रूल है हमारा 10 है बेसिकली, ठीक है जी। देन वी हैव अ नोटिस, नोटिस जैसे सिंपल नोटिस की हम बात करते, अगर 80 सीपीसी का हम लोग बात करें, 80 सेक्शन सीपीसी का दिया हुआ है कि अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो आपको 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो नोटिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन जो 11 जो हमारा रूल है ऑफ ऑर्डर 6 का, वो क्या कह रहा है कि वेयर एवर इट इज मटीरियल टू अलेज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट मैटर और थिंग, किसी चीज का नोटिस आपको किसी मैटर का या किसी थिंग का जरूरत है तो इट शैल बी सफिशिएंट टू अलेज सच नोटिस एज ए फैक्ट अनलेस द फॉर्म और प्रिसाइज टर्म्स ऑफ सच नोटिस एंड सर्कमस्टांस फ्रॉम विच सच नोटिस इज टू बी इन्फर्ड आर मटीरियल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस बेसिकली नोटिस का कंटेंट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ नोटिस देना है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप नोटिस के रिगार्डिंग लाइक सपोज अगर प्लेंटिव ने सूट फाइल किया है तो वो अपनी प्लेंट में मेंशन करेगा कि एज पर सेक्शन 80 सीपीसी आई हैव सेंड द नोटिस टू द डिफेंडेंट्स, मैंने डिफेंडेंट्स को 60 डेज पहले नोटिस दिया था एंड एंड नो रिप्लाई वॉज मेड बाय देम, कोई रिप्लाई नहीं आया इसलिए मैंने आफ्टर 60 डेज के बाद ये सूट फाइल किया है। लेकिन डिफेंडेंट क्या कह रहे हैं, नो नोटिस वॉज सेंड टू आवर डिपार्टमेंट, कोई नोटिस भेजा ही नहीं है। तो ये डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली हो गया। अब ये प्लेंटिव को प्रूफ करना पड़ेगा कि नोटिस उसने सेंड किया है, तो ये नोटिस के रिगार्डिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा प्लेंटिव में, मींस प्लेंट में वो प्लेंटिव मेंशन करेगा और डिफेंडेंट उसका रिप्लाई करेगा, वो मेंशन करेगा डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में कि कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है। तो वैसे नोटिस रिगार्डिंग किसी पर्टिकुलर चीज की नोटिस है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Then we have an implied contact or relation. मैंने आपको पहले बताया कि contact है वो implied हो सकता है, कोई relation है वो express नहीं है लेकिन आपको पता है, live in relationship expressly नहीं है, ठीक है, आप कंडक्ट से कर रहे हो इंप्लाइड है। ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बेसिकली इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इंप्लाइड रिलेशनशिप है। लॉ कहता है कि ऐसे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आपको मेंशन करने के पड़ेगा। सो वेयर एवर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी रिलेशन बिटवीन एनी पर्सन इज टू बी इंप्लाइड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ लेटर और कन्वर्सेशन, सीरीज ऑफ लेटर और कन्वर्सेशन। ये मैटर इंपॉर्टेंट है, ए ने बी को नंबर ऑफ लेटर लिखे, नंबर ऑफ लेटर कि आप प्लीज मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आपकी फर्म बहुत तगड़ी है और मैं यहाँ पे जो है उसके रिगार्डिंग जो बिजनेस मैं अकेला कर रहा हूँ उस लोकेलिटी में, तो अगर आप मेरे से हैंडशेक कर लोगे तो हम लोग आराम से अच्छे तरीके से बिजनेस कर लेंगे। ए ने काफी नंबर ऑफ लेटर्स बी को लिखे और बी ने उसका रिप्लाई भी किया कि ठीक है आप यहाँ पे आ जाओ हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद एक लेटर लिखा कि हाँ भाई हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें हमने डिसाइड किया था और उसके बाद हम लोग अब सेकंड मीटिंग कर लेते हैं, तो उसका भी रिप्लाई आएगा कि आप ठीक है आप यहाँ पे आ जाओ सेकंड मीटिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो नंबर ऑफ लेटर्स नंबर ऑफ कन्वर्सेशन जो इस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट को बता रही है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड है, जहां इनके पार्टी से नीचे रिलेशन है एज ए टीनेंट और लैंडलॉर्ड का, लेसर और लेसी का,
मॉर्टगेज और मॉर्टगेज का रिलेशंस है, तो वो आप कन्वर्सेशन और लेटर्स के रिगार्डिंग आपको पता लग रहा है उसके बारे में, तो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। तो कुछ भी हो सकता है, रिलेशन डजंट मीन, रिलेशन तो कोई भी हो सकता है ना, टी नोट लैंडलॉर्ड का भी है, लेसर लेसी का भी है, मॉर्टगेज और मॉर्टगेज का भी है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल एजेंट का भी है, क्लाइंट है, डॉक्टर और क्लाइंट का भी है रिलेशन। तो नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लेटर के रिगार्डिंग अगर वो इंप्लाइड चीज का पता लग रहा है, तो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स कि हमारे बीच में इंप्लाइड एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो तो एक्सप्रेस नहीं है ना, वो तो डिनाई करेगा करेगा, तो आपको अपने इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना है, देन यू हैव टू मेंशन दीज थिंग्स, तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये हमारा रूल 12 है, ठीक है जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग 12 रूल्स कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो बाकी जो बचे हैं हमारे जितने भी जो बाकी बचे हैं हमारे रूल्स, वो ऑर्डिनेंसेस के, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस केस में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज बताना, क्योंकि ये ज्यादा बेसिकली टेक्निकल नहीं है, राइट। इसमें कुछ टेक्निकलिटी है ही नहीं है, आपको सिर्फ फंडे याद रखने हैं और कुछ नहीं याद करना, क्योंकि बाकी जो हम लोग बेसिकली जब प्लेंट के प्लेंट में करेंगे रूल 7 करेंगे, वहां पे 2-3 रूल्स में टेक्निकलिटीज हैं, आपको वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। रूल 8 में कुछ टेक्निकलिटीज हैं, वहां पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे प्री पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है जी। और इनकेस अगर कोई डाउट हुई तो प्लीज पूछ लेना, अदरवाइज वेयर इट इज वेरी क्लियर, काफी क्लियर है उसमें दिया हुआ है, तो आपको डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।